खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Presented the inspirations in front of the audience on the ramp had a lot of appeal. Students का जो grooming है वो बहुत important है और उनको जो topic दिया हुआ था वो inspiration लेके उन्होंने बहुत कमाल के काम किए in terms of colors, silhouettes, embroidery, surface ornamentation and commercial leg viability. गार्मेंट्स ऐसे नहीं थे कि खाली रैम्प अपील है और चलो पिकने का नाम है, लेकिन गार्मेंट्स ऐसे थे कि आम लोग भी पहन सकते हैं। अभी आज की जो ट्रेंड है गार्मेंट्स मस्ट बी मास प्रोड्यूस, गार्मेंट्स को एक कुट्यूर है, डिफ्यूजन लाइन है और प्रेफरेंस है, और फैक्ट्रीज ने बहुत अच्छे से मार्केटेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखे गार्मेंट्स को डिफ्यूज किए थे। आज का प्रोग्राम बहुत ही मनमोहक था और बहुत अच्छा लगा डिप्लोमा स्टूडेंट्स को इस तरह से शहर शहर देश देश के बारे में अपने कलेक्शन में बताना, और स्पेशली कलर्स जिस तरह से बहुत बहुत ही बच्चे हैं और बहुत ही छोटी उम्र है इतना एक परिपक्व कलेक्शन सबके सामने लाने के लिए, और काफ़ी तो श्रेय कॉलेज को जाता है, स्टूडेंट्स को जाता है, सही चीज़ को उभारा जाए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था और मैं काफ़ी अमेज्ड हूँ ऐसे नए टैलेंट्स को देख के जिन्होंने अपनी प्रतिभा इतनी अच्छी दिखाई, जिनकी प्रतिभा मतलब काफ़ी सराहनीय है, और जब ऐसे स्टूडेंट्स आपको ऐसे कलेक्शन दिखाते हैं तो इट्स एक सरप्राइज पैकेज होता है सबके लिए। और जो हमारे जूरी मेंबर्स ने, मेरे सह जूरी मेंबर ने जो चूज़ किया उनमें से, तो ये हमारी मर्जी से ही था, हम लोगों ने सबने डिसाइड किया, एंड देन द वी चोज इन टर्म्स ऑफ द सिल्वेट्स, इन टर्म्स ऑफ द कट्स, इन टर्म्स ऑफ द फैब्रिक, इन टर्म्स ऑफ द कलेक्शन, एवरीथिंग। सो आई थिंक ये हम सबका एक डिसीजन था जी। सबसे पहले तो मैं नमस्ते करता हूँ आवाम को, सलाम करता हूँ, और आज के कार्यक्रम में यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा हर तरीके से। इंटरटेनमेंट की ये दुनिया है ग्लैमर की, तो जो भी इवेंट में जो चीज़ें सिलेक्ट हुई हैं, जो शो का एक फ्लो जो ग्राफ है वो बहुत ही सही चला है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा। कपड़े से लेके एक लुक से लेके वॉक से लेके मैंने बहुत इन्जॉय किया, और जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे आवाम से बड़ी मोहब्बत मिली, बहुत प्यार मिला, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एवरी ईयर we have our annual fashion show which is named Anshante. Our graduating students, they participate in this fantastic fashion collection.
they work hard every year, and this is their final collection that they make. Both the textile designing as well as the fashion designing departments participate in it, and we work almost more than 6 months in developing this entire collection for all the students. We have as a robust fashion design course, both degree as well as diploma. We have textile designing course, we have apparel merchandising course, and we see to it that most of our students. और हमेशा से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर धक्का दे के कुछ नया करवा सके. इवन जहाँ इवन क्राफ्ट्स विजिट जो सर बोल रहे हैं, बाहर बच्चों को लेके जाके वहाँ पे बैठा के सिखा के दिखा के, यू नो, वी ट्राई टू ट्रेन देम टू डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी, विच इज़ नॉट समथिंग दैट दे विल डू रेगुलरली. सो दैट इज़ वॉट वी ट्राई टू डू. जो हम देख रहे हैं वो उनके पूरे साल भर की मेहनत है. सस्मीरा में उन्होंने जो भी सीखा है आज कल्मिनेट होके रैंप पे ऑन श्रांति के रूप में आता है आप सबके सामने. सर, मैं मेरा एसोसिएशन सस्मीरा के साथ तकरीबन अभी छठा साल है. कंसेक्यूटिवली हम 6 साल से उनके इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड साल भर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू एक अच्छा शो उनको बनाने में. और मैं एज ए ऑर्गेनाइजर, टेफ्रास हमारी कंपनी है, हम एज ए ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म उनको, कि उनको बेस्ट टू बेस्ट सुविधा उनको मिल पाए इवेंट, तो वो हमारा काम है. हमारा छठा एसोसिएशन उनके साथ. तैयारी तो हम लोग 6 महीने से कर रहे हैं, उसके पीछे दिन रात घूम रहे हैं. मतलब छोटे छोटे चीज अप्रूवल लेना, एक थीम डिसाइड करना, उसके बाद इंस्पिरेशन ढूंढना उसमें से, फिर उसके ऊपर मूड क्रिएट करना, एक बड़ा प्रोसेस था उसके पीछे, जो एक्चुअली रैंप पे 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है, बट उसके पीछे बहुत सब लोगों के, टीचर्स के एफर्ट्स, हमारे खुद के एफर्ट्स, और एक्चुअली बोलेंगे तो टेलर के एफर्ट्स जो स्टिच करता है, बिकॉज हम लोग तो डिज़ाइन कर देते हैं बट उनके एफर्ट्स भी बहुत थे उसमें. हमारा जो हमें ब्रीफ दिया गया था, इट वॉज वंडरलस्ट. तो हमें पूछा गया था कि थिंक ऑफ एनी 3 प्लेसेस विच यू ड्रीम ऑफ विजिटिंग. तो हमने सोचा कि हम लोग क्या बोले, तो हमने अलग अलग आइडियाज़ है हमारे. स्नेहा का 3 ऑप्शन था, मेरा 3 ऑप्शन था, प्रियंका का 3 ऑप्शन था. तो इवेंचुअली सब फाइनलाइज होते थे, मसाई हमारा सिलेक्ट हुआ. सर, ये इंस्टीट्यूट शोज जो होते हैं, ये सारे बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी इनको एक शो के एक कलेक्शन में इन्हें दिखानी रहती है. हमें 3 मिनट में हर कलेक्शन को कितनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सके, तो सारे बच्चों के साथ बैठ के होमवर्क किया गया कि कैसा म्यूज़िक होगा, लाइनअप क्या होगा. सारे बच्चों ने ये बार का पूरा अलग, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से सिटीज़ एंड कंट्रीज़ को लेके गारमेंट्स क्रिएट किए थे, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट, एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी थी गारमेंट्स की, वेरेबल थे, एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड. एज अ मॉडल डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सारे डिज़ाइनर्स अमेजिंग थे, बहुत अच्छा लाइनअप था. गारमेंट्स वर रियली यूनिक, बहुत यूनिक गारमेंट्स, बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स. मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के किए हैं, बट आई थिंक बाय फार बहुत ही अच्छा कलेक्शन था. लास्ट डे था हमारा, और लास्ट डे बेस्ट डे रहा हमारा, और इमेजिन नहीं किया था कि मिलेगा करके, लेकिन बहुत ही एकदम बेस्ट डे रहा ये, बेस्ट डे. और हम लोग ने स्ट्रीट वेयर पर किया था, हम लोग का इंस्पिरेशन रशिया का था, तो हम लोग ने मैम बहुत सपोर्ट की थी, बोली तुम लोग स्ट्रीट वेयर बनाओ, तो स्ट्रीट वेयर के लिए हम लोग को अभी बेस्ट फैशन कलेक्शन का अवार्ड मिला.